एक काम करता हूँ, थोड़ा ही है, मैं साथ में प्ले साउंड कर देता हूँ। चलो, मैंने डायरेक्शन देख रही है, इस साइड है, नीचे वाली साइड। चलो 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 चलो, इस साइड है। दोस्तों, आज हम अपने इस आईफोन को चोरी करवाने वाले हैं और उसके बाद हम इस आईफोन को ढूंढेंगे, क्या हम इसे ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। जैसा कि एप्पल कहता है कि आप अपने आईफोन को चोरी होने के बाद फाइंड माई ऐप के थ्रू इसे ढूंढ सकते हो और आई क्लाउड में फाइंड आईफोन में भी आप इसे ढूंढ सकते हो, अगर ये चोरी हो जाता है या फिर आप कहीं रख के इसे भूल जाते हो। तो आज हम रियल वर्ल्ड टेस्ट करने वाले हैं इसे, क्या ये सच में काम करता है या फिर नहीं। और यहां तक एप्पल ये भी कहता है आईफोन फाइंडेबल After power off, मतलब आपका iPhone अगर power off भी है, पूरी तरह से बंद है, उसके बाद भी आप इसे ढूंढ सकते हो। वो ही हम आज real world check करेंगे। Find my app में जितने भी important settings हैं, वो सारी हमने on कर दी है। अगर आपका iPhone आपके पास नहीं है, तो आप किसी browser के ऊपर iCloud.com पे अपना account login कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर find my iPhone पे आप उसे easily ढूंढ सकते हो। यहाँ पर आपके जितने भी iCloud के साथ आपके app Apple के डिवाइसेस लिंक्ड हैं, वो आप इजीली मैप के ऊपर रियल टाइम देख सकते हो। ये आप देख सकते हो विनय मैकबुक प्रो और ये रहा आईफोन 11। ये आप अभी ग्रीन देख रहे हो, मतलब ये डिवाइस अभी ऑन है, आप इसे रियल टाइम देख के वहां पर जाके इसे ढूंढ सकते हो। यहाँ पर इसी मैप के ऊपर आपको और भी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर प्ले साउंड है, आप लिटरली फोन को बजा सकते हो, फोन को लॉस्ट मोड में डाल सकते हो। लॉस्ट मोड पे जब आप डालोगे तो आप उसे लॉक लगा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है, आप अपने फोन को इरेज कर सकते हो, पूरा क्लियर कर सकते हो। अगर आप इरेज भी कर दोगे, उसके बाद भी आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। यहाँ पर प्ले साउंड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने प्ले साउंड की है, हमारे आईफोन पर अलर्ट आ चुका है और ये बजना शुरू हो चुका है और काफी जोर की आवाज आती है इसकी। और सेम आप फाइंड माई ऐप में भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस की ऑप्शन भी मिल जाती है, आप डायरेक्शंस फॉलो करके आप अपने आईफोन या जो भी आपका एप्पल का प्रोडक्ट है उसके पास पहुँच सकते हो। पूरा मैप के ऊपर बन के आता है और यहाँ पर आप बैटरी भी देख सकते हो कि आपके फोन में कितनी बैटरी है। और सेम आप ब्राउजर में भी कर सकते हो आई क्लाउड ओपन करके। चलो, बेसिक बात है, मैंने अभी आपको बता दी कि कैसे आप ऐप के थ्रू और कैसे आप अपने फोन को डिवाइस को सर्च करके से ढूंढ सकते हो। यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड चेक कर रहे हैं, तो एज ए नॉर्मल पर्सन हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम पूरा डीप टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे कि किस तरह से वर्क करता है सब कुछ। हम एज ए नॉर्मल पर्सन कि अगर किसी आम बंदे का फोन चोरी हो जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो अपने फोन को एप्पल के एप्स के थ्रू एप्पल की मदद से उसे ढूंढ पाता है या फिर नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे साथ में है निखिल कौशल और ये है आईफोन। आईफोन को ये पता नहीं है कि ये चोरी होने वाला है, हमें पता है, निखिल को पता है और आपको पता है कि ये चोरी होने वाला है। और इसको हम लेके जाएंगे अलग अलग लोकेशंस पर और फिर मैं ढूंढूंगा क्या मैं इसे ढूंढ पाता हूँ या फिर नहीं। तो दोस्तों, हम इधर आ चुके हैं नेचर में, जंगल में, और हमारी वीडियो अब तीन पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम आईफोन को ऑन रखेंगे पूरी तरह से और इसे ढूंढेंगे क्या हम इसे ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। और दूसरे में हम इसको पावर ऑफ कर देंगे, इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे, फिर देखते हैं। और तीसरे में इसकी बैटरी शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हमारे निखिल भाई इस फोन को लेके जाएंगे, बहुत बड़ा जंगल है इधर, और कहीं जाके छुपा देंगे और उसका वापस मेरे पास आ जाएंगे और मुझे बताएंगे नहीं फोन कहां पर रखा हुआ है। और हम इसे ढूंढेंगे फिर जीपीएस की मदद से, एप्पल के iCloud Find My की मदद से। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर हमने iCloud Find My iPhone में यहां पर हमने खोल दिया सारा सिस्टम। यहां पर मैं MacBook यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो किसी Android फोन में भी अपना iCloud अकाउंट ओपन करके वहां पर Find My के थ्रू ये सब कुछ कर सकते हो। और ये रही हमारे iPhone 11 जो कि अभी हमारे पास में है और थोड़ी देर में निखिल इसको लेके जाएगा। और यहां पर हमें और भी ऑप्शन मिल जाती है, यहां पर सैटेलाइट व्यू भी है, सैटेलाइट के थ्रू भी हम लाइव देख पाएंगे कहां पर क्या है। और यहां पर देख सकते हैं पूरा जंगल है, पता नहीं कहां पर छिपाएगा ये। तो यहां पर निखिल इस फोन को छिपाएगा, 5 मिनट का टारगेट है, 5 मिनट के अंदर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर निखिल भाई आप जाओ, फोन को छिपा दो और मैं मैकबुक को लेकर पहले इस साइड चले जाता हूं और तब तक ये छुपाएगा, जितना दूर हो सकता है उतना दूर ये जाएगा। तो अभी मैं आईफोन को लेके जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा ताकि मैं विनय को ना दिख सकूं और देखते हैं कि एप्पल का क्लाउड सिस्टम
इसे ढूंढ पाता है कि नहीं ढूंढ पाता है। तो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ इसको लेके, डिस्टेंस 150 मीटर बता रहा, बढ़ेगा ये। और यहाँ पर प्ले साउंड के ऑप्शन में जब वो छिपा के आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पर लाइव ट्रैकिंग पर बन चुका है रूट हमारा, एक मिनट बता रहा है, एक मिनट का डिस्टेंस लगेगा पहुंचने में, एक मिनट लगेगा बस, ये गाड़ी का नहीं भाई, पैदल जाएंगे, पैदल हमें 3 मिनट लगेंगे। मेरे को लग रहा है इसने छिपा दिया है फोन। तो चलो अभी हम चलते हैं रूट पे और देखते हैं हम इसे ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। उस साइड गया है, काफी बड़ा जंगल है, अब काफी ज्यादा एरिया है, पता नहीं कहाँ पर उसने छुपाया होगा। ये रहा हमारा आईफोन, तो मैं काफी दूर चला जाऊंगा इसको लेके, वैसे भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। तो मैं चलता हूँ, रास्ते में मिल जाएगा वो भी हमें। तो फिर गाइस चल पड़ा मैं, और ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक कुत्ता भी था, कहीं पर फोन छुपा दे और कुत्ता फोन को उठा के ले जाए। वैसे तो जंगल है, कोई आदमी वगैरह आया होगा वो ही ले गया, सच में चोरी हो गया ना, तो फिर ज्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ रास्ता फॉलो करते हुए, रास्ता खतरनाक जैसा है, एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ है। मेरे को ये जगह काफी सही लग रही है, यहाँ पे कोई झाड़ी देखता हूँ, उधर छुपा दूंगा। ये रही एक भयानक झाड़ी, मैं इसके इधर छुपा देता हूँ फोन को, अभी देखते हैं बंदा पहुँचता है कि नहीं। और यहाँ पर नीचे की तरफ बता रहा है, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत कम समय में हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 400 मीटर बता रहा है, यार डिस्टेंस बढ़ गया। मुझे लगा था निखिल फोन छुपा के वापस आएगा, पर आया नहीं, कि फोन लेके ना भाग गया हो। तो काफी देर हो चुकी है, मैं अभी विनय का वेट कर रहा हूँ, अभी विनय आया नहीं है अभी, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचता है। चलो देखते हैं, अभी बता रहा है थोड़ा जैसा आगे, ठीक है यार। इस साइड तो जंगल आ गया पूरा, एक मिनट में यहाँ पे बैठ रहा, देखता हूँ मैप में। एक काम करता हूँ, थोड़ा ही है, मैं साथ में प्ले साउंड कर देता हूँ। चलो मैंने डायरेक्शन देख रही है, इस साइड है नीचे वाले साइड, चलो 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 इस साइड है। और देख मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा, वो निखिल तो दिख गया, निखिल तो इस साइड ही है। हाँ भाई फोन कहाँ पर छिपाए, आवाज आ रही भाई फोन की, इस साइड से आ रही, ये रहा ये रहा। भाई मिल गया फोन है। तो पहले तो मैं इसे उठा लेता हूँ, ये देखो बज रहा है, काफ़ी तेज़ आवाज़ थी, मैं वहाँ पर था और वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, मिल गया और अभी तक बज रहा है। तो यहाँ पर आके हमें ये मिला है फोन, ये देखो। और यहाँ पर एप्पल की तरफ से ईमेल भी आ गई हमें। अभी बारी है पार्ट टू की, तो अभी मैं इसको पूरी तरह से बंद कर देता हूँ। यहाँ पर तो लिखा हुआ आ गया आईफोन फाइंडेबल आफ्टर पावर ऑफ, यहाँ पर मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, तो ये हमारा पावर ऑफ हो चुका है फोन का। और अभी इस फोन को मैं छिपाने वाला हूँ और निखिल उसको ढूंढेगा, ठीक है। मतलब मैं इसको छिपा के आ जाऊंगा निखिल के पास और इसको बताऊंगा नहीं मैंने कहाँ पर फोन को छिपाया है। तो फिर गाइस फोन हमारा बंद है, और यहाँ पर भी ये आप मार्क देख सकते हो, ये अब जो है ना ये ब्राउन कलर का हो चुका है, मतलब फोन हमारा बंद है। और अब इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो निखिल भाई को बाकी सब कुछ पता है कैसे फाइंड करना है, तो मैं इसको छिपा देता हूँ। तो मैं लेके जा रहा हूँ इस फोन को इस डायरेक्शन में, और निखिल है उस साइड, ठीक है। निखिल भाई आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, देखना मत, ठीक है। तो फिर यहाँ पर गेम हमारे फेयर रहनी चाहिए, तो अभी ये काम करता हूँ, मैं आया इस डायरेक्शन में और निखिल को भी पता है कि मैं इस डायरेक्शन में आया, तो अभी निखिल ऊपर है, ये देखो इस साइड ऊपर है, तो मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड से जाऊँगा आराम आराम से और फोन को छिपा दूंगा उस साइड, और उसको पता भी नहीं लगेगा, उसको पता नहीं चला है। अभी सामने दिखाता हूँ तुम्हें लोकेशन, ये देखो सामने पूरा जंगल है, और मैं फोन को इस साइड कहीं पर छिपा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं फोन को ये रख रहा हूँ इस जगह पर, अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और अब मैं जाता हूँ निखिल के पास, पूरा घूम के जाना पड़ेगा उस साइड से, ताकि उसे पता ना चले कि मैंने फ़ोन इस साइड छुपाया है, और वो सोचेगा कि उस साइड गया था, उस साइड छुपाया होगा। चलो भाई हो रहा, निखिल निखिल भाई छुपा दिए मैंने, अब आपकी बारी है उसे ढूंढने की, एक बार दिखाना, ठीक है। ऑफलाइन ही बता रहा है, ऑफलाइन है ना, तो ये हमने ओपन कर दिया है। अभी डायरेक्शंस यहाँ पर लोडिंग हो रही है, फाइंड कर पाता है या फिर नहीं, अभी तक भी स्टिल लोडिंग हो रही है, काफी देर से लोडिंग चल रही है इधर, तो अब नहीं ढूंढ पा रहा है ये, 2-3 मिनट हो गया हमें यहाँ पर खड़े हुए, स्टिल लोडिंग ही बता रहा, तो अभी ये ऑप्शन तो काम में नहीं आई। यहाँ पर पैदल चलने वाले सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन काम में नहीं आई। अभी एक काम करते हैं, फोन को बजाते हैं चल पर, चलो फोन देखते हैं, तो अभी यही है, हाँ लास्ट तो फिलहाल यही है हमारे पास, फोन को रिंग करके देखते हैं अगर आसपास हुआ, मम्मी को सुनाई दे रहे नहीं तो, लेफ्ट साइड से आ रही आवाज, नहीं आ रही, हाँ फोन की आवाज आ रही, चल चल फोन स्विच ऑफ है और आवाज आ रही, ये रही ये रहा फोन, चावल मैं छुपाया था, और ये बज रहा है यार, बंद था तब भी,
इसने खुद को ऑन कर लिया क्या? इसने खुद को ऑन कर दिया, बच गया। हाँ चल पड़ा। एक बार मैं इसको फिर से बंद करता हूँ, क्या पता ये खुद ही ऑन हो गया या कुछ कुछ तो गड़बड़ लगी मुझे। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बंद कर रहा हूँ और ये पावर ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पावर ऑफ हो गया हमारा और मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। ये मैंने रख दिया इधर। और निखिल करियो प्ले साउंड। अभी प्ले साउंड की हमने, कनेक्टिंग आ रहा नहीं। देखो अब तो नहीं चला, अब काम नहीं कर रहा ये, नहीं चला। या तो पहले फोन जब मैंने यहाँ पर रखा था ना तब ऑन हो गया होगा, क्योंकि अब तो ये वर्क नहीं कर रहा। देखो स्विच ऑफ ही पड़ा, फोन यहाँ पर नहीं चला और डायरेक्शन भी नहीं चल रही, हमारी लोडिंग भी दिखा रही थी नहीं। ठीक है, तो जहाँ तक हमारी समझ में आया ना, जब फोन बंद था ना हम इसे लोकेट नहीं कर पाए, और दूसरी बात इसकी पहली बार में रिंग बज चली पता नहीं कैसे, बट जब हमने खुद सामने देखा ना तब नहीं चल रही। मे बी जब मैंने फोन रखा हो जल्दबाजी में तो आई थिंक ऑन हो गया होगा, ये हो सकता है। और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ फोन को। यस यार, ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो पता नहीं। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो पहले ऑन तो नहीं होना चाहिए था, पर रिंग बज रही थी और अभी ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है और ये वाइब्रेट कर रहा है ऑन होते ही। ये देखो यहाँ पर रिंग बज रही है। अब लास्ट टाइम हमने कमांड दी थी साउंड की, तो वो अब जाके बज रही। जैसे फोन ऑन हुआ तो लोकेशन सेंड हो चुकी होगी हमारे आई क्लाउड के अकाउंट पर, और साथ में ये रिंग भी कर रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको इतना तो पता चल चुका होगा, जब ये ऑन है तब अच्छे से काम कर रहा है इसका लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह, और ऐसे नहीं कर रहा। तो जिस बंदे ने आपका फोन चोरी किया होगा ना, जैसे ऑन करेगा उसी टाइम पकड़ा जाएगा, उसकी लोकेशन आपके पास आ जाएगी, और बाकी का आपको स्टूडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, जब हमने इसे स्विच ऑन करके, जब ये ऑन था निखिल भाई इसको लेके गए और इसे छुपा दिया था और काफी दूर लेके गए। थोड़ा टाइम लगा, 10 मिनट के आसपास लगे इसे पहली बार ढूंढने में। फिर जैसे हम उसके क्लोज पहुंचे तो हमने रिंग बजाई और ये जोर जोर से बजा और हमें मिल गया झाड़ी के अंदर। और दूसरी बात, जब इसे हमने पूरा पावर ऑफ कर दिया, ऊपर तो लिखा था कि आईफोन इज फाइंडेबल, आप पावर ऑफ कर दो, पर हमने रियल वर्ल्ड में चेक किया तो ये काम में नहीं आया। तो हम जैसे नॉर्मल बंदा जब फाइंड करेगा तो ऐसे ही फाइंड करेगा जैसे नॉर्मल फाइंड करते हैं, पर यहाँ पर हमने थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बाद हमें पता चला कि ये टेक्नोलॉजी काम करती है पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसका। तो यहाँ पर इसमें जो टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है वो की जाती है UWB ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जो कि आईफोन 11 और आईफोन 11 के आगे वाले जितने भी आईफोन है उनमें यूज की जाती है। उनके पीछे वाला कोई आईफोन है उसमें ये आप यूज नहीं कर पाओगे, मतलब आईफोन बंद होने के बाद उसे नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में जहां तक हमें पता लगा है, कोई आपका आईफोन चोरी करके ले गया तो रास्ते में जा रहा है वो, और किसी और का आईफोन रास्ते में बीच में आएगा, आईफोन को या फिर एप्पल को कोई भी प्रोडक्ट, एप्पल वॉच होगी, तो वो अपनी लोकेशन उसको शेयर कर देगा दूसरे आईफोन को ब्लूटूथ के जरिए, और वो उस लोकेशन को एप्पल को दे देगा, एप्पल के आई क्लाउड में जाएगी, फिर वो आपके अकाउंट में आएगी, वहां पर आप ऑनलाइन जाके उसे चेक कर सकते हो कि लोकेशन कहां पर थी। मतलब अभी आप समझ रहे होंगे कि अपनी लोकेशन ये बंद होने के बाद दूसरे किसी एप्पल के डिवाइस को देगा और उसके बाद आपके पास पहुंचेगी, और ये लोकेशन इंक्रिप्टेड होती है। तो एक ये तरीका था, और दूसरा जैसे ही फोन जो है स्विच ऑन हो जाता है तो उसके बाद अगर आपने रिंग बजा के रखी है उसके ऊपर, तो वो बजेगा और आपके पास लोकेशन उसी टाइम पे पहुंच जाएगी। तो चोर ने अगर गलती से आईफोन ऑन कर दिया तब भी आपको पता लग जाएगी उसकी लास्ट लोकेशन, उसके बाद अगर वो बंद कर देता है और किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट के पास से गुजरता है तब भी आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो प्रैक्टिकली इसे चेक करने के लिए हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे कि ये UWB ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हम अलग से मल्टीपल डिवाइस लेके जाएंगे फिर चेक करेंगे, पर उसके लिए हम एम करते हैं 20,000 लाइक्स की। शेयर कर दो उस वीडियो को जितना हो सके ताकि हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाए। लाइक्स करवा दो और शेयर कर दो वीडियो को, जितने भी आपके दोस्त हैं एंड्रॉइड वाले, आईफोन वाले, उन सभी को शेयर कर दो, तभी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और भी इंटरेस्टिंग होगा और आपको भी जानने को मिलेगा क्या सच में रियल वर्ल्ड काम करता है ये टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने पढ़ा ये सब कुछ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपका क्या राय है, आपको कुछ ज्यादा पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हमें भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।